हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बीएस रिव्यूज। तो फाइनली मैदान के बाद अब सिंघम अगेन मूवी को भी क्लैश में रिलीज होना होगा। यस का यानी कि आप सभी को पता है कि सिंघम अगेन मूवी ने पहले 15 अगस्त पर रिलीज होना था और इस मूवी का क्लैश होने वाला था पुष्पा 2 मूवी के साथ। लेकिन भाई साहब, वहां पर मेकर ने इस मूवी को रिलीज नहीं करना चाहा और इस मूवी की रिलीज डेट निकल कर आ रही थी दिवाली 2024। लेकिन उसके बाद अपडेट्स आई कि ये जो मूवी है दिवाली 2024 पर भी नहीं आएगी, बल्कि इस मूवी को नेक्स्ट ईयर शिफ्ट किया जा रहा है, यानी कि ये मूवी 2025 में आएगी और भाई साहब रिपब्लिक डे पर या फिर रिपब्लिक डे वीकेंड में रिलीज किया जाएगा। यस, यानी कि इस मूवी को काफी बड़े लेवल पर रिलीज किया जाएगा। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हो चुकी है, यस, यानी कि इस मूवी का भी अब क्लैश होने वाला है, वो भी एक बहुत बड़ी मूवी के साथ। तो दोस्तों, इस मूवी का किस मूवी के साथ क्लैश होने वाला है और अगर ये क्लैश होता है तो फिर क्या सीन होगा, फुल डिटेल में बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे अपडेट्स को देख सके। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर जो सिंघम अगेन मूवी है इसका इस टाइम पब्लिक के अंदर काफी अच्छी और बड़े लेवल पर हाइप है और वहीं मेकर अब इस मूवी को रिपब्लिक डे या फिर रिपब्लिक वीकेंड में रिलीज करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर अब इस मूवी का क्लैश होने वाला है सनी पाजी की आने वाली मूवी लाहौर 1947 के साथ। यस का यानी कि यहाँ पर अपडेट के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि जो उस मूवी के मेकर है, यानी कि लाहौर 1947 मूवी के जो मेकर है, वो उस मूवी को रिलीज करने वाले हैं रिपब्लिक डे के ऊपर। यस, यानी कि यहां पर आप देख सकते हैं कि सिंघम अगेन मूवी का क्लैश होने वाला है लाहौर 1947 के साथ, जो कि एक बिगेस्ट एक्शन मूवी होने वाली है और उस मूवी की स्टार कास्ट भी बहुत ही ज्यादा तगड़ी, यानी कि सनी पाजी। और सनी पाजी ने आप सभी को पता है कि गदर 2 के साथ 2500 करोड़ का जो नेट कलेक्शन है वो किया है और वहीं अब ये जो मूवी होने वाली है ये भी बहुत बड़े लेवल की मूवी होने वाली है। यानी कि यहां पर आप कह सकते हैं कि भाई साहब, एक तरफ सिंघम अगेन है और दूसरी तरफ लाहौर 1947, यानी कि दोनों बिगेस्ट मूवीज हैं, दोनों बिगेस्ट स्टार्स की मूवीज हैं, तो यहां पर अब इन दोनों मूवीज का क्लैश हो सकता है। यस, यानी कि यहां पर अपडेट्स के अकॉर्डिंग लाहौर 1947 मूवी रिलीज होने वाली है रिपब्लिक डे के ऊपर और यहां पर सिंघम अगेन मूवी को भी लेकर यही अपडेट्स आ रही है कि सिंघम अगेन मूवी भी रिपब्लिक डे पर रिलीज होगी 2025 में। तो यहां पर आप कह सकते हैं भाई साहब, अगर ये क्लैश हो गया, यस, यानी कि यहां पर जिस तरीके से अपडेट्स आ रही हैं उनके अकॉर्डिंग तो इन दोनों मूवीज का क्लैश होने ही वाला है। तो भाई साहब, अगर ये क्लैश हो गया तो मैं कहूंगा कि 2025 का सबसे बिगेस्ट क्लैश होगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि सिंघम अगेन कोप यूनिवर्स की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और बड़ी मूवी है और दूसरी तरफ लाहौर 1947 जो कि भाई साहब एक पाकिस्तान इंडिया के वार के ऊपर होने वाली है, वो भी बहुत बड़ी मूवी है क्योंकि उस मूवी के अंदर सनी पाजी है। तो दोनों मूवीज बिगेस्ट होंगी और आपस में क्लैश करेंगी, तो भाई साहब मैं कहता हूं ना कि दोनों मूवीज को नुकसान होगा। यस, यानी कि यहां पर अगर दोनों मूवीज सोलो रिलीज होंगी तो दोनों मूवीज बॉक्स ऑफिस पर आसानी से 400-500 करोड़ का जो कलेक्शन है वो कर सकती है, क्योंकि भाई साहब दोनों बहुत बड़े लेवल की मूवी है। लेकिन यहां पर अब दोनों मूवीज को लेकर अपडेट्स आ रही है कि दोनों मूवीज सेम डेट पर रिलीज होने वाली है, तो यहां पर देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि कौन सी मूवी के जो मेकर है वो सबसे पहले उस मूवी की ऑफिशियल अनाउंसमेंट करते हैं। यस, यानी कि अभी तक ना ही सिंघम अगेन मूवी की रिलीज डेट को लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट की गई है कि इस मूवी ने रिपब्लिक डे के ऊपर ही रिलीज होने और ना ही लाहौर 1947 को लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई है। अभी तक जो बड़े बड़े क्रिटिक्स हैं या जो बड़े बड़े सोर्स हैं उन्होंने ये अपडेट दिए, तो भाई साहब अगर ऐसा हो गया तो मैं कहूंगा कि 2025 का जो सबसे बिगेस्ट क्लैश है वो हमें 2025 के जनवरी के मंथ में ही देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या ये क्लैश होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, हमें जोर तरफ लाइक करें ताकि आप देखें।